हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में बात करते हैं 15 ग्रुप एलिमेंट्स में केमिकल प्रॉपर्टीज को। देखिएगा 15 ग्रुप एलिमेंट्स, इसमें आज डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स। इट मीन इन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी को यहां पर डिस्कस आप करेंगे बेटा। तो देखिएगा यहां पर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। तो आप बता सकते हैं बेटा टाइप ऑफ हाइड्राइड फॉर्मड, MH3 टाइप के हाइड्राइड ये फॉर्म करते हैं, जैसे NH3, PH3, ASH3, SBS3, BiH3। ओके, नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, जो भी हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी होगी वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, ठीक है, ड्यू टू द डिक्रीज इन डिसोसिएशन एंथैल्पी। और डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होगी बेटा यहां पर कंटिन्यूअसली टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होती है। क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है, ठीक है। इस वजह से डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होने के कारण यहां पर हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन में देखिएगा यहां पर M जो है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ है, ठीक है। कॉमन फॉर्म में भी आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप MH3 आर प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ वाटर आर डाइल्यूट एसिड ऑन दियर मेटल कंपाउंड्स। और यहां पर जैसे ही आप बात करते हैं बेटा कि हाइड्राइड्स को डाइल्यूट एसिड के बेसिस पर मेटल कंपाउंड्स में बदला जाता है, ठीक है। तो ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप MH3 आर प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ वाटर आर डाइल्यूट एसिड्स ऑन दियर मेटल कंपाउंड्स। ओके, देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट यहां पे कंपाउंड्स फॉर्म हो सकते हैं। जैसे आपने लिया P4, फास्फोरस, NaOH, H2O, तो क्या बन गया बेटा? PH3 प्लस 3NaH2PO2, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स ऑफ हाइड्राइड जो होंगे बेटा वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं। तो देखिएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, NH3 सबसे कम रिड्यूसिंग नेचर रखता है और बिस्मिथ BiH3 हाईएस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर रखेगा। फिर ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, बेसिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स के बेसिक नेचर देखते हैं तो टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होते हैं बेटा। तो देखिएगा यहां पर हाईएस्ट जो होगा अमोनिया का रहेगा, फिर PH3, ASH3, SBS3 और BiH3 के ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर होते हैं, बेसिक नेचर की बात करें तो। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखिएगा यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ इनको रिएक्ट करवाते हैं, तो देखिएगा दीज एलिमेंट्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू टाइप ऑफ ऑक्साइड। तो टू टाइप के ऑक्साइड यहां पर प्रिपेयर होते हैं, ट्राई ऑक्साइड्स, M2O3 टाइप के ऑक्साइड यहां पर प्रिपेयर होंगे बेटा। सेकेंड होता है पेंटा ऑक्साइड, M2O5 टाइप के ऑक्साइड यहां पर बनते हैं। क्लियर? देखिएगा द ऑक्साइड्स इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इन मोर एसिडिक इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप कह सकते हैं बेटा यहां पर कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक नेचर हाई होगा, ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपेरेटिवली। क्लियर क्या? ओके, नेक्स्ट, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं वहां पर। तो देखिएगा द ट्राई ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर प्योरली एसिडिक, ठीक है, कि नाइट्रोजन के और फास्फोरस के ट्राई ऑक्साइड जो होते हैं वो कंप्लीटली एसिडिक नेचर के होते हैं। आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर एम्फोटेरिक नेचर,
ठीक है, आर्सेनिक और एंटीमनी के ट्राई ऑक्साइड जो होंगे वो एम्फोटेरिक नेचर होता है या एम्फोटेरिक नेचर के यहां पर वो प्रेजेंट होते हैं। तो आप बेटा बता सकते हैं कि इनके जो ऑक्साइड होंगे वो डिपेंड करेगा कि किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। यदि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहां पर एसिड बन जाएगा और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या बन जाएगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। क्लियर क्या? और बिस्मिथ जो होता है बेटा यहां पर प्रीडोमिनेंटली बेस होता है या बेसिक नेचर का रहेगा। ठीक है क्या? ऑल पेंटोक्साइड या पेंटोक्साइड्स आर एसिडिक और सभी पेंटोक्साइड जो होंगे बेटा वो एसिडिक नेचर के होते हैं एक्सेप्ट बिस्मिथ। अदर एलिमेंट्स फॉर्म पेंटाऑक्साइड रिप्रेजेंटेड बाय M4O10। बिस्मिथ के अलावा जो अदर एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के 15 ग्रुप के वो पेंटाऑक्साइड बनाते हैं M4O10 टाइप के। ट्राइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर गिविंग ऑस एसिड्स, ठीक है OUS, आप क्या बोल सकते हैं OUS, यदि वाटर देता है ट्राइऑक्साइड, यदि वाटर में H2O जैसे ही आप इसको डिसॉल्व करते हैं तो H2O रिलीज हो तो वो क्या बन जाता है OUS एसिड बन जाता है। जैसे एग्जांपल आप देखेंगे अभी, नेक्स्ट देखिएगा पेंटोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर गिवन एक एसिड। आप यहां पर ये बात कर सकते हैं बेटा कि जैसे ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड की बात करें अपन M2O3 तो यहां से H2O रिलीज हो जाता है तो यहां पे क्या बन जाएगा HNO2। जैसे नाइट्रोजन का एग्जांपल लिया तो इसे आप क्या बोलेंगे नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। ओके, पेंटोक्साइड में जैसे HNO3 इसे आप क्या बोलेंगे नाइट्रिक एसिड, क्या बोलेंगे बेटा नाइट्रिक एसिड बोलेंगे आप। क्लियर? देखिएगा यहां पर HNO3 कहां से बना है पेंटोक्साइड से, पेंटोक्साइड के डिसॉल्व होने पर बना है तो यहां पर इसको एक एसिड नाम देंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा नाइट्रिक एसिड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स, दीज एलिमेंट्स रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स। क्या बनाएंगे बेटा ये बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो इन विच फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जांपल देखिएगा 6MgN2 फॉरवर्ड रिएक्शन Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड 6 कैल्शियम P4 कैल्शियम फॉस्फाइड। ओके, तो देखिएगा ये कैल्शियम फॉस्फाइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड फॉर्म कर रहे हैं मेटल्स के साथ फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन दोनों अच्छे से रिएक्ट कर, नाइट्रोजन मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बन रहा है और कैल्शियम से फॉस्फोरस रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम फॉस्फाइड बन रहा है। क्लियर? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन्स, दीज एलिमेंट्स फॉर्म टू टाइप ऑफ हैलाइड्स। क्या बनेंगे बेटा टू टाइप ऑफ हैलाइड्स बनेंगे, हैलोजन से रिएक्ट करेंगे तो ये मेटल्स या ये एलिमेंट्स ट्राई हैलाइड MX3 टाइप। ठीक है, ठीक है ट्राई हैलाइड और नेक्स्ट हो जाएगा आपके पेंटा हैलाइड MX5 टाइप का। क्लियर? नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड्स ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल।
ओके, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल। ठीक है, वैलेंस शेल में क्या होगा, डी ऑर्बिटल वैकेंट ना होने पर नाइट्रोजन कभी भी पेंटाहेलाइड फॉर्म नहीं करता। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, क्या इसलिए ये पेंटाहेलाइड फॉर्म नहीं करता। नेक्स्ट, पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवलेंट देन ट्राईहेलाइड्स। देखिएगा, पेंटाहेलाइड्स जो होते हैं वो ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर रखते हैं किससे, ट्राईहेलाइड से, बिकॉज द एलिमेंट्स इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सर्ट मोर पोलराइजिंग पावर। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से इनका पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हो जाता है, जिससे कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, हाई हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं बेटा, पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवलेंट देन ट्राईहेलाइड्स बिकॉज द एलिमेंट्स इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सर्ट मोर पोलराइजिंग पावर। ओके, All trihalides of these elements except nitrogen are stable. तो आप कह सकते हैं all trihalides में जो भी nitrogen है वो exceptly stable होता है। Clear? In case of nitrogen, halides only NF3 is stable. क्लियर? क्या तो आप कह सकते हैं बेटा कि ऑल ट्राईहैलाइड स्टेबल होंगे, बट नाइट्रोजन ओनली NF3 फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर पाता है। क्लियर? ट्राईहैलाइड एक्सेप्ट BiF3 आर प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट इन नेचर। ठीक है, वैसे आयोनिक नेचर का होना चाहिए, बट ये क्या होता है बेटा, कोवलेंट नेचर का। क्लियर? क्या MCQs देखिएगा, नाइट्रोजन रिएक्ट विथ मेटल टू गिव नाइट्राइड्स, नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स, ये नाइट्राइड, नाइट्राइड्स और नाइट्राइल्स, तो हो जाएगा नाइट्राइड्स। ठीक है, द मोस्ट बेसिक ग्रुप 15 हाइड्राइड इज NS3, BiS3, SbS3, SS, AsH3, तो NH3 हाईएस्ट बेसिक प्रॉपर्टी रखता है, बेसिक नेचर का होता है। रिएक्शन है आपके P4+ NaOH प्लस H2O, तो फॉस्फीन यहां पर प्रिपेयर होती है, तो PH3 हो जाएगा। N2 प्लस O2 फॉरवर्ड रिएक्शन, इलेक्ट्रिक आर्क NO2, NO, N2O, N2O5, तो यहां पर NO का फॉर्मेशन होता है, तो N2 प्लस O2 2NO बनाता है। डाइनाइट्रोजन, अब देखिएगा यहां पर अब नाइट्रोजन जो है उसके लिए बात करेंगे, जो डाई नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की जब भी अपन बात करते हैं बेटा, तो यहां पर इनके प्रिपरेशन मेथड, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कंपाउंड नाइट्रोजन लिया गया यहां पर, तो प्रिपरेशन देखिएगा, लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड में आप बोल सकते हैं बेटा, इन द लेबोरेटरी डाई नाइट्रोजन प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विथ सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट के साथ अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाया जाए तो नाइट्रोजन गैस लिबरेट होती है। जैसे यहां पर आपके पास बेटा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करवाते हैं तो N2 गैस डाई नाइट्रोजन बनता है प्लस 2H2O प्लस NaCl। ओके, तो आप कह सकते हैं बेटा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम नाइट्राइट, क्या बन जाएगा बेटा, डाई नाइट्रोजन। क्लियर? मैकनॉट देखिएगा, सेम अमाउंट ऑफ NO एंड HNO3 फॉर्म्ड।
removed by passing the gas through aqueous H2SO4 plus K2Cr2O7. देखिएगा NO और HNO3 के साथ aqueous H2SO4 और K2Cr2O7 का रिएक्शन भी करवा दिया जाए तो सेम अमाउंट में नाइट्रोजन यहां पर मिल सकता है। ठीक है बेटा, कॉमर्शियल मेथड, एयर के साथ लिक्विफिकेशन करवा सकते हैं और लिक्विड एयर बन जाती है, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं और डाई नाइट्रोजन आपको मिल जाती है। तो देखिएगा, एयर कलेक्ट करते हैं, उसका लिक्विफिकेशन करवाते हैं तो लिक्विड एयर बन जाएगी, फिर इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाया जाएगा जिससे डाई नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। थर्ड है आपके, बाई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करवाया जाए, हाई टेम्परेचर पर इस मॉलिक्यूल को आप डिसोसिएट करवाएं, डिकम्पोज करवाएं, पायरोलाइसिस करवाएं इसका, तो आप नाइट्रोजन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन पर नाइट्रोजन लिबरेट होता है। देखिएगा, नाइट्रोजन कैन आल्सो बी ऑब्टेंड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट। देखिएगा, रिएक्शन ये होता है आपके अमोनियम डाइक्रोमेट, हाई टेम्परेचर पर इसको हीट किया तो नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो गया और Cr2O3 क्रोमिक एसिड इसको बोल सकते हैं यहां, और 4H2O। ठीक है, ये क्या हो गया आपके Cr2O3 हो गया, क्लियर, और 4H2O। तो आप बोल सकते हैं बेटा अमोनियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन या अमोनियम डाइक्रोमेट का डिकम्पोजिशन हाई टेम्परेचर पर करवा दिया जाए तो नाइट्रोजन इलेबरेट होती है। क्या होता बेटा, नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन इलेबरेट होता है। क्लियर ना? ओके, नेक्स्ट देखिएगा यहां पर बेटा, फॉर्म ये फ्रॉम सस्पेंशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड अमोनिया, ब्लीचिंग पाउडर और अमोनिया को भी मिक्स करते हैं तो भी आप नाइट्रोजन इलेबरेट कर सकते हैं या फॉर्म कर सकते हैं। CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और अमोनिया, नाइट्रोजन जिसे आप डाई नाइट्रोजन कह रहे हैं, क्या हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड और H2O रिमूव होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल एजाइड्स, मेटल एजाइड से भी आप नाइट्रोजन बना सकते हैं। तो देखिएगा यहां पर जो है आपके एजाइड का स्ट्रक्चर बताया गया है जिसमें देखिएगा नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन पर तीन लोन पेयर और एक नेगेटिव चार्ज है, मिड वाले नाइट्रोजन पर ओनली पॉजिटिव चार्ज है एंड नेक्स्ट नाइट्रोजन पर वन लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं बेटा, एजाइड आयन N3- के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है बेटा, देखिएगा यहां पर जैसे N N ट्रिपल बॉन्ड N, तो लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर। ओके, तो यहां से देखिएगा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और बॉन्ड कहां बन जाएगा, यहां पर ऐसे हो जाएगा N डबल बॉन्ड। अब यहां पर देखिएगा N प्लस अभी भी रहेगा और सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर लोन पेयर आ जाता है। ओके, एक लोन पेयर ऑलरेडी था, अब एक इलेक्ट्रॉन और यहां आ जाएगा, क्लियर, और ये बॉन्ड जो है वो इस तरीके से ब्रेक होता है, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका N। अब इसके पास क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाता है, लोन पेयर जो है वो हट जाता है, तो यहां पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और नेगेटिव चार्ज, और यहां आपके लोन पेयर रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर लोन पेयर हो भी सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है यहां पर,
ठीक है, तो इस तरीके से इसमें ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है। क्लियर क्या? तो यहां जो लोन पेयर है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये लोन पेयर है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ना रखे लोन पेयर। क्लियर क्या? तो आप इसको किस फॉर्म में लिखेंगे बेटा? N3- फॉर्म में। क्लियर, N3- फॉर्म में यहां पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर देखिएगा यहां पर, वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड्स। सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड को थर्मल डिकम्पोज किया जाए तो प्योर नाइट्रोजन। देखिएगा अब तक जो भी मेथड आपने पढ़े हैं, उनमें प्योर नाइट्रोजन का कोई जिक्र नहीं किया गया, ठीक है, इसका मतलब उसमें मिक्सिंग थी, वो कुछ इम्प्योर है। यहां पर एजाइड के, मेटल एजाइड के डिकम्पोजिशन पर प्योर नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होगा। देखिएगा Na(N3) सोडियम एजाइड, हाई टेम्परेचर सोडियम प्लस N2, तो आप कह सकते हैं बेटा 2NaN3 डिकम्पोज 2Na प्लस 3N2, ये प्योर नाइट्रोजन है। क्या बेटा? प्योर नाइट्रोजन, यहां पर प्योर नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर क्या? नेक्स्ट है बेरियम नाइट, ये बेरियम एजाइड, बेरियम एजाइड का डिकम्पोजिशन करवाते हैं और बेरियम प्लस नाइट्रोजन फॉर्म हो जाती है आपके, ठीक है, तो आप कह सकते हैं BaN3 का होल ट्वाइस डिकम्पोजिशन Ba प्लस 3N2 डाई नाइट्रोजन। तो यहां पर भी क्या होगा बेटा? प्योर नाइट्रोजन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्योर नाइट्रोजन। क्लियर क्या? तो दोनों ही रिएक्शंस में, मतलब सीधा सा कह सकते हैं मेटल एजाइड में प्योर नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। हाईली प्योर फॉर्म ऑफ डाई नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। क्लियर, प्रॉपर्टी ऑफ डाइनाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन इज ए कलरलेस ऑडरलेस टेस्टलेस एंड नॉन आयोनिक गैस। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? कलरलेस होता है N2, ऑडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और नॉन आयोनिक गैस होता है। ठीक है, इट हैज टू स्टेबल आइसोटॉप्स होंगे N14 एंड N15। इट हैज ए वेरी लो स्टेबिलिटी इन वॉटर, वॉटर में इसका बहुत कम लो सोल्युबिलिटी होती है। ठीक है, बहुत कम ये डिजोल्व होगी वॉटर में, तो आप कह सकते हैं इट हैज वेरी लो सोल्युबिलिटी इन वॉटर। इट मीन 23.2 सेंटीमीटर पर लीटर ऑफ वॉटर एट 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर, ओके, एंड लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, और इसके लो फ्रीजिंग पॉइंट होगा और लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। डाइनाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द हाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ N(N)। ठीक है, तो इसमें देखिएगा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से हाई बॉन्ड एंथैल्पी हो जाती है और ये रूम टेम्परेचर पर इनर्ट होता है, ओके, एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेज रैपिडली विथ राइज इन टेम्परेचर। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा बेटा। क्लियर, नेक्स्ट MCQs देखिएगा। कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन इन्वॉल्व्स सब्लिमेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, फ्रीजिंग, एवोपोरेशन। तो यहां हो जाएगा बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये लिक्विड एयर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। एन एजाइड आयन इज NO3- N2 N3- any of these, तो यहां पर आ जाएगा आपके N3- फॉर्म में। क्लियर, इन द लैब मेथड अमोनियम क्लोराइड इज रिएक्ट विथ NaNO3
NaNO2, HNO3, HNO2, तो Na NO2 ठीक है, सोडियम नाइट्राइड के साथ, नाइट्राइड के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म नाइट्रोजन गैस. N2 कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ मेटल, मेटल एजाइड्स के साथ, तो यहां पर आ जाएगा मेटल एजाइड्स. ओके, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का केमिकल प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करेंगे बेटा. केमिकल रिएक्शंस, एक्शन ऑफ मेटल्स एट हाई टेम्परेचर, नाइट्रोजन डायरेक्टली कंबाइंस विथ लिथियम एंड मैग्नीशियम मेटल्स टू फॉर्म नाइट्राइड्स. ठीक है, लिथियम और मैग्नीशियम के साथ हाई टेम्परेचर पर नाइट्रोजन डायरेक्टली कंबाइन हो जाती है और नाइट्राइड्स फॉर्म करती है. क्लियर, सिक्स लिथियम प्लस एन टू फॉरवर्ड रिएक्शन हीट टू एल आई थ्री एन, लिथियम नाइट्राइड, थ्री मैग्नीशियम प्लस एन टू फॉरवर्ड रिएक्शन हीट एम जी थ्री एन टू, मैग्नीशियम नाइट्राइड, टू एल एन टू हीट एल्यूमिनियम नाइट्राइड. एक्शन ऑफ डाइऑक्सीजन, N2 plus O2 forward and backward reaction, del or heat, 2000 Kelvin temperature, तो 2NO का formation यहाँ पर होता है. तो आप कह सकते हैं बेटा N2 और O2 forward reaction and backward reaction, ये क्या है, reversible reaction होते हैं बेटा. ठीक है, तो high temperature पर इसको heat करवाया जाता है जिससे ये 2NO का formation कर लेते हैं, 2NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसे आप नाइट्रिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड. एक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड का जो स्ट्रक्चर है बेटा वो ये है कि कैल्शियम और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे, इसको आप CaC2 फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विथ डाइनाइट्रोजन, फॉरवर्ड रिएक्शन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000, तो ये हो जाएगा कैल्शियम, आप इसको कैल्शियम साइनेमाइड कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा, कैल्शियम साइनेमाइड. ओके, और साथ में बनेगा आपके कार्बन जिसे आप क्या कहेंगे, ग्रेफाइट. ठीक है, क्लियर क्या. तो यहां पर देखिएगा CaCN2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है बेटा, कैल्शियम प्लस और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बॉन्डेड होते हैं इसके साथ. ठीक है, और एक आयोनाइज स्फीयर में ये प्रेजेंट होता है जिसमें एक निगेटिव और एक पॉजिटिव फॉर्मेशन होता है, आयोनिक स्फीयर बनता है, ये एनायनिक स्फीयर और ये कैटायनिक स्फीयर बन जाता है. एक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन, N2 गैस प्लस H2 गैस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन अमोनिया. ठीक है, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है. यूजेज, डाइनाइट्रोजन इज मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया एंड अदर इंडस्ट्रियल केमिकल कंटेनिंग नाइट्रोजन, जैसे कैल्शियम साइनेमाइड. It is used to maintain the inert atmosphere, क्योंकि ये inert gas होती है room temperature पर, तो इसको inert atmosphere maintain करने के लिए भी use किया जाता है. जैसे example, iron and steel formation में, iron और steel industry में जब भी iron और steel के production हो रहा होता है तो वहां पर इसका use किया जाता है. लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज एज रेफ्रिजरेंट टू प्रेशर बायोलॉजिकल मटेरियली फूड आइटम्स एंड इन क्रायोसर्जरी. तो आप कह सकते हैं कि प्रेशर बायोलॉजिकल मटेरियल फूड आइटम्स में, ठीक है, एंड क्रायोसर्जरी में भी इसका यूज किया जाता है. MCQs, CaC2 plus N2, तो ये कैल्शियम साइनेमाइड का फॉर्मेशन करेगा, कैल्शियम साइनेमाइड यहां पर फॉर्म होता है बेटा.
एन टू प्लस मेटल तो जाएगा मेटल नाइट्राइड्स, डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, हैबर प्रोसेस होता है, एन टू ओ टू एनओ का फॉर्मेशन होगा, इसमें देखिएगा एन टू ओ टू टू एन ओ बनता है, इसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नाइट्रिक ऑक्साइड। एनालोमस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन या एबनॉर्मल बिहेवियर अदर एलिमेंट्स इन 15 ग्रुप एलिमेंट्स। ओके, तो नाइट्रोजन का जो अलग बिहेवियर है वो किस वजह से है उसको आप डिस्कस कर सकते हैं बेटा। तो नेक्स्ट चलते हैं, एनालोमस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन में नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ मेंबर ऑफ दीज ग्रुप ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, और ये बिहेवियर डिफरेंट बिहेवियर शो करने का जो मेन रीजन है वो है फर्स्ट स्मॉल साइज, सेकेंड हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो देखिए अगर यहां पर फोर रीजन है, स्मॉल साइज, हाई ईएन, हाई आईई और वैकेंट ऑर्बिटल का डी ऑर्बिटल का एब्सेंस। ठीक है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल यहां प्रेजेंट नहीं होते हैं। नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विथ इटसेल्फ एंड विथ अदर एलिमेंट्स हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई ई एन, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के साथ ये क्या कर सकता है बेटा, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। क्या कर सकता है? पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। क्लियर? थस नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल विथ ए ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स। It, its enthalpy is very high. On the contrary, phosphorus, arsenic and antimony form single bonds as PP, AS, AS and SB, SB. ठीक है, और बाकी के जो भी एलिमेंट्स होंगे उनमें मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन नेचर प्रेजेंट नहीं होता, वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। व्हाइल बिस्मिथ फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड्स, बिस्मिथ मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म करेगा इन एलिमेंटल स्टेट, हाउएवर द सिंगल नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन द सिंगल पी पी बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड वीकर होता है देन पी पी सिंगल बॉन्ड से, बिकॉज द हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ओविंग टू द स्मॉल बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड वीकर होता है फॉस्फोरस सिंगल फॉस्फोरस बॉन्ड के कंपेरिजन में। एज ए रिजल्ट द कैटेनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन। अनोदर फैक्टर विच अफेक्ट्स द केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन इज द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल। बिसाइड्स रेस्ट्रिक्टिंग इट्स कोवेलेंसी टू फोर, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड। ठीक है क्या, तो आप यहां पर बोल सकते हैं बेटा कि आर थ्री एन डबल बॉन्ड ओ फाइव बॉन्ड फॉर्मेशन नाइट्रोजन में पॉसिबल नहीं होता, जैसे यहां पर आर थ्री पी डबल बॉन्ड ओ फॉस्फोरस में फाइव बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। क्यों? फॉस्फोरस में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। क्लियर क्या बेटा, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि वैकेंट डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से नाइट्रोजन में फाइव बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर क्या,
नेक्स्ट देखिएगा बेटा, आर थ्री पी इज इक्वल टू सी एच टू आर, एल्काइल ग्रुप होगा, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड आल्सो विथ ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, एग्जांपल देखिएगा, पी सी टू एच फाइव का होल ट्राइस एंड ए एस सी सिक्स एच फाइव का होल ट्राइस, यहां पर देखिएगा क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा ये। ओके, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, अब आप अमोनिया के लिए बात डिस्कस कर सकते हैं बेटा, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया लेबोरेटरी मेथड। देखिएगा अमोनिया जो है एक लिक्विफाइड लिक्विफाइड गैस होता है, क्या होता है बेटा, लिक्विफाइड गैस होता है, हाई प्रेशर पर इसको लिक्विड में चेंज किया जाता है। लेबोरेटरी मेथड देखिएगा, अमोनियम क्लोराइड को आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं टेम्परेचर देखकर, तो अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म अमोनिया एंड सब प्रोडक्ट कैल्शियम क्लोराइड और H2O। कॉमर्शियल मेथड में देखिएगा हेबर प्रोसेस होता है, क्या होता है बेटा, हेबर प्रोसेस होता है। फिर देखिएगा इसका जो ऑप्टिमम कंडीशंस होती है या फेवरेबल कंडीशंस होती है, वहां पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को ट्रीट किया जाता है, जिससे हाई प्रेशर पर नाइट्रोजन गैस को लिक्विफाइड कर दिया जाता है, और यहां पर हेबर प्रोसेस से आप अमोनिया का फॉर्मेशन कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल मेथड से कर सकते हैं। क्लियर बेटा, तो देखिएगा N2 गैस डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, ऑप्टिमम कंडीशंस एंड अमोनिया फॉर्मेशन। ठीक है क्या, और हाई टेम्परेचर दिया जा रहा है, तो यहां पर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक। ठीक है क्या, तो डेल एच इज इक्वल टू -92.4 किलो जूल पर मोल, यहां पर एनर्जी रिलीज होती है पर अमोनिया फॉर्मेशन पर। कैटलिस्ट देखिएगा आयरन लिया जा रहा है, प्रमोटर देखिएगा एमओ लिया जा रहा है, टेम्परेचर 773 केल्विन 200 प्रेशर एटीएम में, ऑप्टिमम कंडीशंस देख लीजिएगा, प्रेशर होगा 200 एटीएम, टेम्परेचर अबाउट 700 केल्विन, कैटलिस्ट पोरस एंड फाइनली डिवाइडेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, पोरस एंड फाइनली डिवाइडेड आयरन ऑक्साइड, मतलब यहां पर ये पाउडरी फॉर्म में लिया जा रहा है, पाउडरी फॉर्म में। प्रमोटर्स मॉलिब्डेनम और K2O एंड Al2O3 को लिया जा रहा है। फिर देखिएगा ये बहुत ही बेहतरीन डायग्राम है आपके, मतलब जो भी एपरेटस हेबर प्रोसेस में काम में लिया जाता है बेटा, जो भी मशीनरी काम में ली जा रही है, उसका एक आउटलाइन डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है बेटा। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर प्रेशर पर कंप्रेशर से इसमें क्या किया जाता है बेटा, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस को एंटर करवाया जाता है। कंप्रेशर होगा जिसका 20 मेगा पास्कल प्रेशर होता है। ठीक है, जिससे इसको यहां पर एक कंटेनर में इकट्ठा किया जाता है, जहां कैटलिस्ट होगा, हाई टेम्परेचर होगा, क्लियर, आयरन ऑक्साइड जो कैटलिस्ट है, और प्रमोटर होते हैं Al2O3, K2O और MO, मॉलिब्डेनम, क्लियर। फिर इसको हाई प्रेशर पर पंपिंग की जाती है, प्रेशराइज किया जाता है, जिससे N2+3H2 किस फॉर्म में आ जाते हैं बेटा, 2NH3 लिक्विड अमोनिया, और लिक्विड अमोनिया फिर कहां चला जाता है आपके, इस कंटेनर में। अब यहां पर कुछ
क्या रह जाता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस रह जाती है। तो उसको सकिंग पंप होता है यहां पर, इससे इसको खींच लिया जाता है और पंप में एंटर करवा दिया जाता है, जहां वापस प्रोसेस होगा, जहां से H2 प्लस N2 वापस किस में चली जाती है, यहां पर इस कंटेनर में आ जाएंगी और फिर इस पर हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है, जो लिक्विफाइड में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर ये लिक्विड देखिएगा, ये क्या है, अमोनिया NH3 है। क्लियर क्या बेटा? तो ये आपके हेबर प्रोसेस का आउटलाइन है, हेबर प्रोसेस। ठीक है, क्या हेबर प्रोसेस है आपकी। क्लियर बेटा? नोट देखिएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कैन नॉट बी यूज H2SO4, P2SO4 एंड एनहाइड्रस CaCl2। तो देखिएगा यहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो H2O का फॉर्मेशन करवा सकते हैं, उनका यूज यहां पर नहीं किया जा सकता। क्लियर क्या? तो देखिएगा यहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, एसिड, H2SO4, तो एसिडिक रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, रिएक्ट विथ अमोनिया, ये अमोनिया के साथ क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, ये भी एसिडिक नेचर का होता है P2O5, तो ये भी क्या करता है, रिएक्ट विथ अमोनिया, तो अमोनिया नहीं बनेगा, फिर क्या बनेगा, अदर प्रोडक्ट बन जाता है। ओके, एंड कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स, क्या बना लेता है ये, CaCl2@NH3, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है अमोनिया के साथ। ठीक है क्या? तो आप कह सकते हैं बेटा, देयरफॉर मॉइस NH3 इज ड्राइड और क्विक लाइम CaO। क्लियर बेटा? तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट को यहां पर काम में नहीं लेते। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, एक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, इसको आप साइनेमाइड प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, साइनेमाइड प्रोसेस, क्या कहेंगे, साइनेमाइड प्रोसेस। क्लियर? कैल्शियम कार्बाइड N2 डाई नाइट्रोजन 1000 यहां पर टेम्परेचर दिया जा रहा है, ठीक है, डाई नाइट्रोजन हाई टेम्परेचर हो गया, तो कैल्शियम साइनेमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, और क्या बन रहा बेटा, कार्बन ग्रेफाइट बन जाता है। फिर देखिएगा आप इसको कंप्लीटली नाइट्रोलिम क्या बोल सकते हैं बेटा, नाइट्रोलिम बोल सकते हैं, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपके, नाइट्रोलिम हो जाता है। सेकेंड स्टेप में कैल्शियम साइनेमाइड को H2O के साथ ट्रीट करते हैं, तो आप कह सकते हैं सुपर हीटेड स्टेम, ठीक है, सुपर हीटेड स्टेम इस पर पास करवाई जाती है, जिससे आप अमोनिया बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या बन गया आपके, अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिएगा पहले क्या किया आपने, कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के साथ ट्रीट करवाया हाई टेम्परेचर पर, जिससे आपको क्या मिला बेटा, नाइट्रोलिम। इसमें नाइट्रोलिम में से आपने क्या लिया, कैल्शियम साइनेमाइड, कैल्शियम साइनेमाइड सुपर हीटेड स्टेम अप्लाई की गई इस पर, जिससे क्या बन गया आपके पास, अमोनिया और कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। क्या बन गया बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। क्लियर? MCQs देखिएगा, अमोनिया इज कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय प्रोसेस, हेबर प्रोसेस, वल्केनाइजेशन, कॉन्टैक्ट प्रोसेस और एनी ऑफ दीज, तो आप बोल सकते हैं हेबर प्रोसेस। इन द लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ NH3 एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर यूज
NH4NO3, NH4 का whole twice, CO3, NH4Cl, none of these, तो NH4Cl. In Haber process, the catalyst used is iron oxide, copper oxide, carbon monoxide, all of the above. Iron oxide का formation होगा. Low temperatures are used in Haber process as the forward reaction is endothermic, exothermic, either A and B, none of these, तो exothermic. Chemical properties of ammonia. Action of halogens. हेलोजन के साथ आप अमोनिया को ट्रीट करवा सकते हैं. जैसे क्लोरीन एक्सिस में लेते हैं तो क्या बनेगा? NH4Cl. अमोनियम क्लोराइड बन जाता है. क्या बन जाता है? अमोनियम क्लोराइड. फिर क्लोराइड को एक्सिस में लेते हैं आप तो NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है क्या? तो आप यहां पर देख सकते हैं कि क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या बनेगा बेटा? NH4Cl. एक्सिस क्या रहेगा? अमोनिया. बट एक्सिस क्लोरीन हो जाए तो NCl3 बन जाता है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बन जाता है. ब्रोमीन के साथ एट NH3 3Br2 6NH4Br अमोनियम ब्रोमाइड और नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है. आयोडीन के साथ NH3NI3 नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिया. क्या बनेगा? नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिया का फॉर्मेशन यहां पर होगा बेटा. क्लियर? नेक्स्ट, NH3NI3 ये डिकम्पोज हो जाता है और क्या बनाता है? नाइट्रोजन 9I2 एंड 6 अमोनियम आयोडाइड. क्या बनाएगा? 6 अमोनियम आयोडाइड. ओके, क्या बनाएगा बेटा? 6 अमोनियम आयोडाइड बनाएगा. क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, अमोनियम परसिपिटेट्स द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेनी मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन. ZnSO4 एक्वस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बन जाएगा? जिंक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट. व्हाइट पीपीटी बन जाता है. तो अमोनिया जो है वो पीपीटी का फॉर्मेशन भी कर सकता है सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ. नेक्स्ट देखिएगा, FeCl3 एक्वस प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जो आप बोल सकते हैं लिक्विड अमोनिया, तो क्या बनता है? NH4OH. तो ये क्या बनाएगा बेटा? Fe2O3XH2O सॉलिड. यहां पर भी ब्राउन पीपीटी बनता है. क्या बनता है बेटा? ब्राउन पीपीटी का फॉर्मेशन यहां पर हो जाता है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इन अमोनिया, अमोनिया में क्या होता है बेटा? लोन पेयर प्रेजेंट होता है. अमोनिया इज यूज इन डिडक्शन ऑफ मेटल आयंस सच एज Cu+ और Ag+. ठीक है, तो अमोनिया जो है वो किसे डिटेक्ट कर सकता है? Cu+ और Ag+ आयंस को, मेटल आयंस को डिटेक्ट करने में इसका यूज आप कर सकते हैं. किस वजह से? प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर. क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा इसका, AgCl व्हाइट पीपीटी है, अमोनिया के साथ ट्रीट करवाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है और ये कलरलेस हो जाता है. ठीक है, इसका मतलब यहां पे डिटेक्ट कर रहा है. ऐसे ही Cu+ कोई भी कॉपर का सॉल्ट ले सकते हैं आप, और अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो डीप ब्लू कलर आ जाता है क्योंकि कोऑर्डिनेशन फॉर्म का लेता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड ये बना लेता है. रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ नेस्लर रिएजेंट, नेस्लर रिएजेंट भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है. फॉर्मेशन ऑफ नेस्लर रिएजेंट देखिएगा क्या होगा इसमें, HGI2+
2KI फॉरवर्ड रिएक्शन K2HGI4। तो क्या बन गया ये नेस्लर रिएजेंट बन गया। इसको अमोनिया के साथ ट्रीट करवाते हैं बेसिक मीडियम में, तो ये क्या बना लेता है आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। इसे क्या कहेंगे आप आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, मिलन बेस का फॉर्मेशन कर लेता है। तो देखिएगा यहां पर ये क्या है मिलन बेस है, क्लियर। तो नेस्लर रिएजेंट के साथ ये ट्रीट होता है। नेस्लर रिएजेंट कैसे बनाया जाता है एच जी आई टू एक्वस प्लस 2KI एक्वस फॉरवर्ड रिएक्शन K2HGI4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा K2HGI4 का ये एक क्या है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, क्या है कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्लियर। फिर देखिएगा नेस्लर रिएजेंट के साथ अमोनिया को KOH की प्रेजेंस में ट्रीट करवाते हैं, तो आयोडाइड ऑफ मिलन बेस, मिलन्स बेस का फॉर्मेशन हो जाता है, क्लियर बेटा। तो यहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नेस्लर रिएजेंट के साथ भी ये क्या करता है रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। देखिएगा यहां पर ये बेस है, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है बेटा, यहां पर देखिएगा मेटल है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं बेटा लुइस एसिड कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं लुइस एसिड, क्लियर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द नाइट्रोजन एटम ऑफ द अमोनिया NH3 वी हैव ए लुइस बेस। तो जो रिएजेंट आप काम में ले रहे थे नेस्लर रिएजेंट वो लुइस एसिड है, तो ये क्या हो जाएगा लुइस बेस हो जाएगा। हेंस इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म बॉन्ड विथ मेटल आयंस। सो अमोनिया इज यूज इन द डिटेक्ट ऑफ मेटल आयंस सच एज Cu+ और Ag+। क्वेश्चन देखिएगा व्हाई डज NH3 एक्ट एज ए लुइस बेस, एक्ट एज ए लुइस बेस। आंसर नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया हैज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज अवेलेबल फॉर डोनेशन, देयरफॉर इट एक्ट एज ए लुइस बेस, क्लियर। NH3 के पास क्या होता है नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, ये इजीली डोनेट किया जा सकता है किसी भी वैकेंट ऑर्बिटल में, क्लियर। नेक्स्ट हाउ डज अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर, ए डीप ब्लू सॉल्यूशन इज ऑब्टेंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड आयन। रिएक्शन देखिएगा तो यहां पर कॉपर Cu+2 को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है एक्वस फॉर्म में अमोनिया को, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड आयन, जो क्या होता है डीप ब्लू सॉल्यूशन हो जाता है, क्लियर। MCQs देखिएगा इज द नेस्लर रिएजेंट, तो नेस्लर रिएजेंट जो है आपके K2HGI4 है, क्लियर। सेकेंड NH3+Cl2+, तो क्या बनेगा यहां पर NCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। द ब्राउन कलर ऑब्टेंड इन नेस्लर रिएजेंट टेस्ट इज ड्यू टू आयोडाइड ऑफ बेस, मिलन्स बेस, तो मिलन्स बेस बिलियंस ट्राइली, तो यहां पर देखिएगा नन ऑफ दीज ट्राई लिनियस, यहां पर मिलन्स बेस का फॉर्मेशन होता है कैसे आयोडाइड के साथ ब्राउन कलर का। स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ अमोनिया, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया देखिएगा यहां पर NH3, ओके इसका स्ट्रक्चर
पिरामिडल। अमोनिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। द सेंट्रल नाइट्रोजन एटम इन्वॉल्व्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वन पोजिशन इज ऑक्यूपाइड बाय ए लोन पेयर। थ्री बॉन्ड पेयर्स आर एंड वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज शो इन द स्ट्रक्चर। देखिएगा एक्सपेक्टेड तो अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल, बट नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, वन लोन पेयर है, थ्री बॉन्ड पेयर है, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाता है, पिरामिडल। कैसा हो जाता है, पिरामिडल, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो होती है 101.7 पिकोमीटर एंड बॉन्ड एंगल जो होता है वो 107.8 डिग्री होता है, ये बॉन्ड एंगल हो गया आपके, क्लियर। लोन पेयर डिस्टॉर्ट्स इट्स जियोमेट्री एंड द मॉलिक्यूल हैज पिरामिडल ज्योमेट्री विथ नाइट्रोजन एटम एट द एपेक्स, क्लियर। तो यहां टेट्राहेड्रल ना होके क्या होती है बेटा, पिरामिडल हो जाती है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज 101.7 पिकोमीटर, बॉन्ड एंगल इज 107.8 डिग्री। यूजेज देखिएगा यहां पर, अमोनिया इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, आप बना सकते हैं। सेकेंड यूरिया बना सकते हैं, अमोनियम फोस्फेट आप बना सकते हैं अमोनिया से, अमोनियम सल्फेट आप बना सकते हैं, अदर फर्टिलाइजर्स भी आप फॉर्म कर सकते हैं, क्लियर। यूज ऑफ अमोनिया मेनली जो है वो ऑस्वाल्ट मेथड में भी HNO3 बाय ऑस्वाल्ट प्रोसेस। कूलिंग एजेंट और रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। प्रोटोफिलिक एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट, प्रोटोफिलिक एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट के फॉर्म में भी इसको यूज किया जा सकता है। प्रोटोफिलिक का मतलब प्रोटॉन, हैविंग प्रोटॉन। MCQs देखिएगा, इन अमोनिया द सेंट्रल नाइट्रोजन एटम इज हाइब्रिडाइजेशन sp3। अमोनिया हैज जियोमेट्री टेट्राहेड्रल पिरामिडल स्क्वायर प्लेनर लीनियर, तो हो जाएगा पिरामिडल। बॉन्ड एंगल 107.8 डिग्री। अमोनिया इज सॉल्वेंट प्रोटोजेनिक प्रोटोफिलिक प्रोटिक बोथ ए एंड बी, तो हो जाएगा बोथ ए एंड बी। आप कह सकते हैं बेटा इसे प्रोटोजेनिक भी कह सकते हैं और प्रोटोफिलिक भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर NH3 हाइड्रोजन परसेंट है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन देखिएगा यहां पर आप बात कर सकते हैं बेटा कि नाइट्रोजन के जो भी ऑक्साइड होंगे उनका नेम दिया जा रहा है, फॉर्मूला दिया जा रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन और जो ऑक्साइड बन रहा है उसका प्रिपरेशन भी दिया जा रहा है यहां पर। फिजिकल अपेयरेंस एंड केमिकल नेचर भी यहां पर बताया जा रहा है। तो ये एक ऑक्साइड की, नाइट्रोजन ऑक्साइड का एक टेबल आपके सामने स्क्रीन पर है बेटा, आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेते हैं आप यहां पर डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसको आप क्या कहेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड, इसे आप नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड भी कह सकते हैं, और ये होता है आपके लाफिंग गैस,
फॉर्मूला N2O। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो प्लस वन होगा, क्या होगा बेटा प्लस वन। प्रिपरेशन मेथड, अमोनियम नाइट्रेट से डीकंपोजिशन पर फॉर्म की जाती है N2O। फिजिकल प्रॉपर्टी, कलरलेस गैस है और ये न्यूट्रल होता है, केमिकली क्या है न्यूट्रल, फिजिकली कलरलेस गैस है। सेकेंड आता है आपके बेटा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसे नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं, नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड, तो फॉर्मूला हो जाएगा NO, क्या हो जाएगा बेटा NO, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो क्या होता है प्लस टू। फॉर्मेशन देखिएगा, सोडियम नाइट्राइड से FeSO4 की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है बेटा NO का फॉर्मेशन इजीली हो जाता है। फिर कलरलेस गैस और ये भी न्यूट्रल होता है। डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड इसको कहा जाता है बेटा, क्या कहा जा रहा है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ओके, फॉर्मूला हो जाएगा N2O3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 3, फॉर्मेशन हो जाएगा NO प्लस N2O4, 250 केल्विन टेम्परेचर पर N2O3 का फॉर्मेशन करवाया जाता है। ऐसे ही आप बोल सकते हैं NO प्लस NO2 को रिएक्ट करवाएं तो भी आप N2O3 का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये ब्लू सॉलिड होता है, इसका जो स्टेट होता है फिजिकली नेचर जो होता है वो क्या होता है सॉलिड, तो इसे ब्लू सॉलिड कहेंगे, और ये केमिकली एसिडिक नेचर का होता है, क्या होता है बेटा केमिकली एसिडिक नेचर का ये होता है। देखिएगा यहां पर केमिकली एसिडिक नेचर और ब्लू सॉलिड, केमिकली एसिडिक और ब्लू सॉलिड होता है N2O3, क्लियर। तो देखिएगा नेक्स्ट आता है आपके यहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसे नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड भी कहते हैं NO2। ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 है। प्रिपरेशन मेथड, लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करवा के आप NO2 का फॉर्मेशन इजीली कर सकते हैं। ये ब्राउन गैस होती है और एसिडिक नेचर का होता है, क्या होता है बेटा ब्राउन गैस और एसिडिक नेचर। नेक्स्ट डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, इसे आप क्या कहते हैं बेटा नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड। N2O4 फॉर्मूला हो गया प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। प्रिपरेशन मेथड, 2NO2 कोल एंड हीट, आप क्या कर सकते हैं N2O4 का डाइमराइजेशन करवा सकते हैं। यहां पर जब आप इनको कूलिंग मीडियम देते हैं तो ये N2O4 का फॉर्मेशन करते हैं, और जैसे हीट करते हैं ये NO2 यूनिट्स में ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक हो जाता है, क्लियर। कलरलेस सॉलिड होता है और लिक्विड भी हो सकता है ये, और केमिकली एसिडिक नेचर का होता है। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड, नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड N2O5 प्लस 5, 4HNO3 प्लस P4O10 और फॉर्म हो जाता है आपके 2N2O5। ये कलरलेस होता है, क्या होता है बेटा ये कलरलेस सॉलिड और एसिडिक होगा, क्लियर। तो आप इस तरीके से ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को डिस्कस कर सकते हैं बेटा, क्लियर। MCQs देखिएगा, इज आल्सो कॉल्ड एज लाफिंग गैस N2O, इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन 3rd ऑक्साइड N2O3, द ऑक्साइड इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन 3rd ऑक्साइड N2O3, द ऑक्साइड ये द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज NO2 एंड N2O4 इज प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4, तो प्लस 4 प्लस 4 दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं बेटा प्लस 4 प्लस 4 होती है, क्लियर।
N2O3 is prepared from NO, NO2, N2O5, N2O5, NO, NO2, N2. तो ये हो जाएगा NO, NO2 का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं. नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड यहां पर प्रिपरेशन देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन नाइट्रिक एसिड जो है वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं. थैंक यू.